नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। एग्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, यूपी लेखपाल में खाली पदों पर भर्ती के लेकर योगी सरकार ने दिया ये आदेश। तो फ्रेंड, जितने भी लोग लेखपाल बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। जी हाँ दोस्तों, तो अब जाके लग रहा है लेखपाल की भर्ती जो है आ पाएगी, क्योंकि एक बार आई थी जिसको कैंसिल कर दिया गया था। लाखों करोड़ों वर्ष हो चुके थे, काफ़ी स्टूडेंट परेशान हो चुके थे कि लेखपाल की भर्ती कब आएगी। तो अब जाके एक आशा दिख रही है कि यूपी में लेखपालों के खाली पदों पे भी भर्ती को लेकर योगी जी ने सरकार ने दिया है ये आदेश। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। फ्रेंड, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि एग्जाम स्टोर लगातार आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाता रहता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स चेक इट। तो फ्रेंड, जैसा कि देख पा रहे उड़ती हुई खबर हिंदुस्तान लाइफ से अभी अभी आई है, 19 नवंबर को आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड, उत्तर प्रदेश के 4 मंडलों में आगरा, सहारनपुर, मेरठ और बरेली के मंडलयुक्त लेखपालों के खाली पदों पर भर्ती में रोड़ा बने हुए हैं। तो फ्रेंड, कौन कौन से राज्य हैं, आगरा हो गया, कौन कौन से जिले हैं, आगरा हो गया, सहारनपुर, मेरठ और बरेली के मंडलयुक्त लेखपालों ने खाली पदों पर भर्ती में रोड़ा बने हुए। राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी ने मंडलयुक्तों की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। उन्होंने 2 दिन के अंदर, फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं, 2 दिन के अंदर संबंधित मंडलयुक्तों से अपने हस्ताक्षर से लेखपाल की खाली पदों पर भर्ती संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्तों को निर्देश भी दिया है कि लेखपाल भर्ती के लिए आरक्षण के संबंध में समय समय पर जारी अधिनियमों व नियमों के आधार पर स्वयं परीक्षण करते हुए खाली पदों का ब्यौरा एकत्र कराएं। इसके आधार पर 3 सालों वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 तक के रिक्त पदों की त्रुटि रहित प्रस्ताव 2 दिनों के अंदर उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही डीएम कानपुर नगर को निर्देशित दिया गया कि कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए उनके द्वारा अभी तक प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है, यह अत्यंत आपत्तिजनक है, इसलिए तुरंत कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों का भी प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया 6 माह में अभियान चलाकर पूरी की जाएगी। इसके आधार पर विभागों को संबंधित भर्ती बोर्ड का आयोग को खाली पदों पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजना है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भी विभागाध्यक्ष भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजे जाने की समीक्षा कर रहे हैं। राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने भी इस संबंध में मंडलायुक्तों से जानकारी मांगी है। इससे पता चला है कि 4 मंडलायुक्तों ने अभी तक भर्ती संबंधी प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से 4 मंडल थे, उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए 2 दिन के अंदर प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। तो फ्रेंड, ये रहा ओवरऑल न्यूज, मैं आपको फिर बता देता हूँ वो 4 मंडल कौन कौन से हैं। तो आगरा हो गया, सहारनपुर, मेरठ और बरेली, ये जो 4 मंडल इन्होंने ही नहीं भेजा है, वरना भर्ती अभी तक रुकी नहीं रहती, इन्हों लोगों ने रोड़ा खड़ा किया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।